जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तो इस समय हम मैहर माता के दरबार में जाने के लिए आए हैं यहां पे, जो कि रोपवे पे यात्रा कर रहा हूं इस समय। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रोपवे से आने जाने के लिए माता के दरबार में एक तरफ से जाने का और फिर उसके बाद आने का 130 रुपये चार्जेस है दोस्तों। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं या जिसका इच्छा नहीं है सीढ़ी से जाने का, तो वो लोग रोपवे का सहारा ले सकते हैं। तो हम रोपवे से यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कुछ हमारे भाई बहन लोग जिनको नहीं मालूम है रोपवे कैसा होता है, तो मैं उन लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मैहर माता के दरबार में जाने के लिए आप लोग सोचेंगे किस सीढ़ी से जाना पड़ेगा। तो आप लोग रोपवे से भी जा सकते हैं, जो चलने में असमर्थ हैं वो लोग आके यहाँ पे रोपवे से यात्रा कर सकते हैं, जो कि 130 रुपये आने जाने का चार्जेस है। और उसके बाद दोस्तों, ये मैहर माता का बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि सतना ज़िले में पड़ता है, और जिसको भी यहाँ पे आना होता है सबसे पहले मैहर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है, फिर वहाँ से ऑटो से 20 रुपये किराया लगता है यहाँ तक रोपवे तक आने के लिए दोस्तों। तो हम 20 रुपया वहाँ से रेलवे स्टेशन मैहर से 20 रुपये ऑटो किराया दे करके आए हैं। और जो कि दोस्तों, इस समय मैं रोपवे पे यात्रा कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ही फील कर रहा हूँ। और ये रोपवे कार आ रहा है, जो डिब्बा है, रोपवे वाला डिब्बा है दोस्तों। और ये देख सकते हैं, ये जगह जगह ये खंभे जैसे बनाए गए हैं सपोर्टर के लिए, और बाकी ये तार के सहारे ये चल रहा है रोपवे, तार के सहारे हम लोग चल रहे हैं। जो कि नीचे एक मशीन लगाई गई है और एक मशीन ऊपर पहाड़ पे माता के दरबार के बगल में लगाई गई है, और ये इधर बगल में बीच में जगह जगह वर्कर सिक्योरिटी गार्ड ये लोग हैं, देख रेख कर रहे हैं बीच में। और जो कि एक तरफ से जाने का है दोस्तों, और एक तरफ से रोपवे आ रहा है, और हम लोग इस समय एकदम मध्य में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं उधर से रोपवे जा रहा है, हम लोग इधर से ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, माँ के दरबार में आके हमके बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। और ये देख सकते हैं, ये ऊपर से नज़ारा कैसा दिख रहा है, बहुत ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ऊपर से, जो कि पहाड़ी बगल में दिख रही है दोस्तों। बहुत ही इस समय दोस्तों सुबह के 6:30 बज रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सूर्य जी निकल रहे हैं इस समय, प्यारा प्यारा हल्का हल्का धूप लग रहा है देखिए, और ठंडा मौसम भी ठंडा है दोस्तों। और उधर देख सकते हैं, वो जो उधर वो पैदल यात्री उधर से जा रहे हैं माँ के पास, सीढ़ी वाले हैं उधर सीढ़ी, ये जो पैदल जाना चाहता है ये देख सकते हैं सीढ़ी से जा रहे हैं कुछ लोग वापस आ रहे हैं रिटर्निंग। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, ऊपर से छाया हुआ है, नीचे से ये भक्तगढ़ लोग जा रहे हैं। और हम लोग दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रोपवे कैसा है, देख सकते हैं ऊपर ये खंभा कैसा बनाया गया है, जो कि हम लोग पहुंचने ही वाले हैं कुछ क्षण में माता के दरबार में। और इधर से देख सकते हैं कुछ भक्तगढ़ लोग ऊपर से इधर देख रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। ये रोपवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है, ये सिक्योरिटी गार्ड लोग अभी हम लोगों को रोपवे पकड़ लिए, देख सकते हैं ये कर्मी आ गया है, कर्मचारी हम लोगों को उतारेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे माँ के दरबार में। हम लोग उतर चुके हैं दोस्तों, ये दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को बाहर निकालने के लिए सहायता कर रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों ये बाहर आ गए हैं, ये देख सकते हैं दर्शन मार्ग ये लिखा हुआ है, हम लोग जब चल रहे हैं दर्शन मार्ग पर दर्शन करने के लिए माँ का। ये इधर से पूरा एरो मार्ग बनाया गया है निकलने के लिए, और सामने माँ का मंदिर है उधर, जहाँ पे सीढ़ी वगैरह है। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट लाते रहो।